हेलो एवरीवन, मैं हूं पारुल और स्वागत है आपका हमारे चैनल रॉयल कुकर्स में। आज मैं बनाने वाली हूं आलू टिक्की बर्गर विदाउट बर्गर बन। जी हां, आपने सही सुना, बिना बर्गर बन के मैं आज बर्गर बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं बर्गर बिना बर्गर बन के। स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने लिए हैं 4 से 5 उबले हुए आलू। अब उन्हें हाथों की हेल्प से बारीक क्रश कर लेंगे। हम पहले बर्गर की टिक्की बनाएंगे। आप अच्छे से आलूओं को क्रश कर लीजिए। ये देखिए, हमने आलू क्रश कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर। आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। ये टिक्कियों को बहुत ही क्रिस्पी कर देगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच नमक और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं और आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए आटे को आलूओं के साथ। ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया है। अब आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इन्हें टिक्कियों का आकार दे देंगे। आप थोड़ा थोड़ा पार्ट लीजिए और इन्हें गोल कर लीजिए। आप जिस साइज की टिक्कियां बनाना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चूज कर सकते हैं। ये देखिए, टिक्कियों का साइज और टिक्कियों की विड्थ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए, इसी प्रकार से हम सारी टिक्कियां बना लेंगे। हमने सारी टिक्कियां बना ली है, अब इन्हें पकाते हैं। अब लेते हैं पैन। पैन में हमने थोड़ा ही ऑयल लिया है, लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है हमने। हम सारी टिक्कियों को इसमें रख देंगे। अब इन्हें थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखिए, एक साइड से ये पक चुकी है। वाओ, कितना अच्छा कलर आ रहा है, गोल्डन कलर, और बहुत ही क्रिस्पी हो गई है ये। अब इन्हें दूसरी साइड से भी पलट कर सेक लेंगे। ये देखिए, थोड़े टाइम रखेंगे, 2 से 3 मिनट। ये दूसरी साइड से भी सिक चुकी है। वाओ, ये देखिए, इधर से भी बहुत अच्छी सिक चुकी है। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए दूसरी साइड से बहुत अच्छी सिक चुकी है। अब सारी प्लेट में निकालेंगे। मैं टिक्किया तैयार है। अब हमने लिए हैं सम पीसेज ऑफ ब्राउन ब्रेड। हम बर्गर बहुत ही हेल्दी बनाने वाले हैं, तो हमने ब्राउन ब्रेड यूज किया है। आप ऐसी कोई भी कटोरी या कुकी कटर से आप आपके ब्रेड को कट कर लीजिए गोलाकार में। ये देखिए, आप अपने साइज की कटोरी ले सकते हैं, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो। ये देखिए, ये देखिए, हमने निकाल लिया है एक। हम इसी प्रकार से अपने सारे ब्रेड्स कट कर लेंगे। अब हमने एक तरफ ली है रेड चिली सॉस। ये हमने घर पर सॉस बनाई है। अगर आपको रेसिपी देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरी तरफ हमने ली है 1 चम्मच मेयोनीज। अब आप 1 चम्मच रेड चिली सॉस मेयोनीज में मिक्स कर लीजिए और हमने एक नई सॉस तैयार कर ली है। ये देखिए, हमारी सॉस तैयार है। अब हमने ये 2 पीसेस लिए हैं। ये देखिए, 2 राउंड पीसेस हमने ब्रेड के कट कर लिए थे। अब आप एक पीस पर लगाइए अपनी सॉस और दूसरे को उसके ऊपर रख दीजिए। हमारा एक बन बनकर तैयार है। ये देखिए, आप इसी प्रकार से अपने बंस तैयार कर लीजिए। ये देखिए, हमने बर्गर बन तैयार कर लिए हैं इसी प्रकार से सारे। अब हमने दूसरी साइड लिए हैं कुछ हेल्दी सब्जियां। इसमें हमने लिए हैं सबसे पहले खीरे, इन्हें भी हमने गोल काट लिया है। टमाटर और प्याज, इन सभी चीजों को हमने गोल गोल काटा है। और साइड में लिया हमने पनीर। आप पनीर अपने हिसाब से स्लाइसेस काट सकते हैं। अब लीजिए एक बर्गर बन, उन पे बटर लगाइए आप एक साइड। पहले एक एक साइड आप बर्गर बन पे बटर लगाइए। ये देखिए, हमने 2 बर्गर बन पे बटर लगा लिया है। अब पैन में उन्हें रख देंगे बटर वाली साइड से। देखिए, इस साइड से हम रख देंगे दोनों बंस को। और अब दूसरी साइड पे आप चम्मच की हेल्प से बटर लगा लीजिए। ये देखिए, हमने दूसरी साइड से भी लगा लिया। अब हमारे बर्गर बन सिक चुके हैं एक साइड से, हम पलट लेंगे। ये देखिए, वाओ, गोल्डन कलर आ गया है। ब्रेड का एक बेनिफिट भी है, आप इन्हें पकाएंगे तो ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे, प्लस हेल्दी तो है ही। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में और ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। अब आप दोनों बन लेंगे और उस पर लगाएंगे एक बन पर रेड चिली सॉस।
आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से अपनी सॉस लगा लीजिए। अब हम रखेंगे आलू टिक्की, टमाटर, पनीर, ये तो सबसे हेल्दी चीज है इसमें, प्याज, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जियां इसमें रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जैसी आपको पसंद हो वैसे। लास्टली मेयोनीज, द लजीज इंग्रेडिएंट ऑफ योर बर्गर, रियली मेरा तो फेवरेट है, मुझे बर्गर बिना मेयोनीज के बिल्कुल पसंद नहीं है, सबसे ज्यादा टेस्टी चीज। अब आप दूसरे बन पर अपनी रेड टोमेटो सॉस लगाएंगे, आप चाहें तो चिली सॉस भी लगा सकते हैं, पर हमें ज्यादा चिली खाना पसंद नहीं है, सो मैंने टोमेटो सॉस लगाई है। ये देखिए आपका बर्गर बनकर बिल्कुल रेडी है, वो भी विदाउट बर्गर बन। ये देखिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बर्गर। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।